आज केंद्र सरकार ने संवैधानिक पीठ को नियुक्ति की फाइल सौंप दी है, जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल और जजों के बीच तीखी बहस हुई। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने चार नामों में से जूनियर अधिकारी चुने जाने पर सवाल उठाए हैं। 24 घंटे भी फाइल नहीं चली, बिजली की तेजी से नियुक्ति हुई है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या कार्यपालिका की छोटी छोटी बातों की समीक्षा होगी? अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया, नियुक्ति का निश्चित आधार है, सार्वजनिक है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो आज अदालत में क्या कुछ हुआ ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत तीखी बहस हुई सरकार और इलेक्शन कमिश्नर के लिए कैसे चार नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, नियुक्ति का निश्चित आधार है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईसी कमिश्नर के लिए कैसे चार नाम शॉर्टलिस्ट किए, फिर सरकार ने जो जवाब दिया उसमें नियुक्ति का निश्चित आधार है, सार्वजनिक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हम नियुक्ति के ढांचे को लेकर चिंतित हैं, ये टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सरकार ने अपने दलीलों में कहा कि शॉर्टलिस्टिंग वरिष्ठता सेवानिवृत्त के आधार पर की जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 15 मई से 18 नवंबर तक आपने क्या किया, ये सवाल पूछा गया। तो सरकार की तरफ से जवाब आया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, क्या कार्यपालिका की छोटी छोटी बातों की समीक्षा होगी, ये जवाब आया। इसके अलावा 24 घंटे भी फाइल नहीं चली, बिजली की तेजी से नियुक्ति हुई, ये सवाल पूछा गया। तो सरकार कह रही है कि प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं है, पहले भी 12 से 24 घंटे में नियुक्तियां हुई हैं। तो नियुक्तियों को लेकर जो सवाल जवाब था कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, ये हमने आपको समझाया ग्राफिक्स के जरिए।